सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, हम आप देख रहे हैं कि एक महीने से हम निरंतर प्रयासरत हैं। हम निरंतर माननीय डिप्टी सीएम से भी 2-3-4 बार मिल चुके हैं कम से कम, और दोनों डिप्टी सीएम से और मामा जी से भी मिल चुके हैं। शिक्षा मंत्री से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है 2-3 बार, और बाकी हम निरंतर कोशिश कर ही रहे हैं। और बाकी आपने पता आपने आपको मैंने बता ही दिया है कि जो ट्राइबल के जो मंत्री हैं विजय शाह जी, तो उनसे भी हम मिले हैं, तो उनके द्वारा भी आश्वासन अच्छी तरीके से दिया गया है, बहुत पॉजिटिव तरीके से दिया गया है। और बाकी हम आज आप देख सकते हैं, तो आज हम विजय शाह जी से भी मिले और कृष्णा गौर जी से भी मिले, जो पिछड़ा वर्ग के एवं अल्पसंख्यक जो विभाग है उनके पास। तो हम निरंतर प्रयासरत हैं, और बाकी हम जो पदों को वृद्धि को लेकर हम निरंतर काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, वहाँ से भी हमने लेटर लिखवाया है। और बाकी हमने मतलब हमने बहुत कोशिश की है, बहुत जगह से हमने लिखवाया है। और प्रज्ञा ठाकुर जी हैं, जो कि यहाँ से सांसद हैं, वहाँ से भी लिखवाया है। और हमने ऐसे बीजेपी के ऐसे कोई विधायक नहीं छोड़े हैं जहाँ हमने ज्ञापन न दिया हो। आप सब इससे अवगत हैं, आप सब रोज स्टेटस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और रोज़ आप कमेंट्स कम्युनिटी में देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप देखते हैं। तो साथियों, हम निरंतर प्रयास रहते हैं, और निरंतर हमारा यही कहना है कि हमारी भर्ती अटकी हुई है। हमें आश्वासन 10,000 से ज़्यादा पदों का दिया गया था, और आपने ये भी कहा था कि जो OBC होल्ड में वेटिंग में है, और बाकी आपकी जो मांग है पद वृद्धि की 51 की थी, हम वो तो नहीं कर पाए थे, लेकिन हम 10,000 पद बढ़ाएंगे, ये हमें आश्वासन मिला था। और उसके बाद हम फिर चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले मिला था, फिर हमने विधानसभा चुनाव के बाद पुनः और जो नए मंत्री बने उनसे हमने मुलाकात की, और ऐसे मुलाकात नहीं की, हमने कम से कम 2-2-3-3 बार अच्छी तरीके से मुलाकात की है। और माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे भी हमने 2-3 बार मुलाकात कर चुके हैं, और बाकी अलग अलग क्षेत्र में अपने OBC होल्ड वाले व्यक्ति और बाकी सभी साथी भी अपने अपने स्तर पर, वो भी 2-3-3-4 बार मिल चुके हैं। तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पद बढ़ाए जाएँ, किसी भी तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए, और जो नियुक्ति में अटकी हुई प्रोसेस है उनको पूरा किया जाए। तो आज और आज का सबसे अच्छा पॉइंट ये भी रहा था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी का जन्मदिन था, आज हम 11 बजे वहाँ पहुँच गए थे, तो सब कार्यक्रम में शामिल हुए और अन्य मंत्री भी वहाँ पे आए। और उसके बाद आप देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी भी वहाँ पहुँचे, और जैसे वो वहाँ पहुँचे तो मैं वहीं पर था, मैं उनका वेट कर रहा था, और सभी मीडिया साथियों की साथ साथ में मेरी भी मुलाकात हो गई। और जो डॉक्यूमेंट्स, जो फाइल थी जिसमें हमने 10,000 पद वृद्धि से लेकर और सभी चीज़ें उसमें मेंशन की थी, चाहे प्रयोगशाला के पद हों, चाहे वेटिंग हो, चाहे जो 3200 लोग हैं जिनको चॉइस फिलिंग हो चुकी है उनको नियुक्ति दी जाए, इनको भी हमने उसमें जोड़ा, हमने प्रत्येक मांग को उसमें जोड़ा। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, जो दिव्यांग, जो फर्जी दिव्यांग थे वो हट गए थे, उनकी जगह नए जो दिव्यांग हैं उनको नियुक्ति दी जाए, हमने सारी चीज़ें अपने ज्ञापन में मेंशन की थी, हमने सभी बातों को उसमें मेंशन किया था। तो उसको लेकर भी हमने आज ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने सारी चीज़ें अवगत करा दी थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आश्वासन मिला वो हाँ का जवाब मिला था। अब देखो आगे क्या होता है, ये अलग बात है, बट हम कोशिश अभी भी पूरी कर रहे हैं। अब जैसे कि आज आप सुनेंगे कि पटवारी के जो नियुक्ति पत्र बांटे गए थे लाल परेड ग्राउंड में, मैं भी वहाँ था, तो 8,500 पद उन्होंने बांटे हैं, और बाकी उन्होंने कहा है कि 15,000 पद हम एक सप्ताह के अंदर और बांटने वाले। अब इसमें असमंजस की बात है, हो सकता है इसमें वर्ग 1 के पद बांटे जा सकते हैं, और हो सकता है कि जो अभी जो आदेश भी आया था वर्ग EWS का हाई कोर्ट से कि 45 दिन के अंदर नियुक्ति दी जाए, हो सकता है उन पदों को दिया जा सकता है, हो सकता है वर्ग 1-2-3 के लिए कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि फाइनली जो पद भरे जाएंगे वो कौन से होंगे, तो जो भी पद आएंगे उसके बारे में आपको पता चलेगा, और जो 15,000 की बात कर रहे हैं वो कब तक भरे जाएंगे और किस विभाग से होंगे, वो सारी जानकारी हमें जल्दी पता चल जाएगी। जैसे ही पता चलती है हमारे सामने अपडेट आ जाएगी, और जो भी प्रोसेस होगी आप सबको पता चलेगी। तो ठीक है साथियों, बाकी संघर्षरत हैं, प्रयास हम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा संघर्ष सफल हो और सभी पद वृद्धि के साथ सभी को नियुक्ति मिले, वर्ग 1-2-3 को मिले, जो क्योंकि थर्ड का उसने होगी तो वर्ग 1-2-3 की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों के अभ्यर्थी अटके हुए हैं और तीनों के व्यक्ति निरंतर मांग भी कर रहे हैं।
तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी जो भी होगा आगे देखते हैं, लेकिन प्रयासरत हैं और सभी को प्रयास करना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो अभी सांसदों को, जो नए नए सांसदों को जो टिकट मिला है, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनसे उनको अवगत कराना चाहिए और वो इस समय सुनेंगे। हमें पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को एक्टिव रहना चाहिए और सभी को अपने अपने जो बात है, अपनी अपनी जो मांग है वो ज़रूर रखनी चाहिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी सभी को वीडियो शेयर कर दें जो अपने वर्ग 3 के साथी हैं। वर्ग 1-2 के अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, समझ सकते हैं कि आगे 15,000 पद हैं वो किस विभाग को मिल सकता है और कौन कौन से वर्ग को मिल सकता है और आगे क्या होगा वो अभी इसमें कह नहीं सकते कि किसके कितने क्या होगा, लेकिन सब अपने अपने स्तर पर प्रयास अभी भी जारी रखें। जीत कभी भी हो सकती है, आप इससे निश्चिंत रहें, प्रयास करते रहें, जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।